Hey guys, welcome to Motor Octane. आज हम आपको बताने वाले हैं अबाउट द Audi S5. जी हाँ दोस्तों, इट्स कॉल्ड द Audi. हमारे पिछले वीडियो में कमेंट्स आए थे कि इसको Audi नहीं ओडी बोलो, विच इज़ नॉट करेक्ट. इसको प्रोनाउंस किया जाता है एज Audi बिकॉज इट्स अ जर्मन ब्रांड. सो आज हम आपको बताएंगे इस गाड़ी के बारे में, जो परफॉर्मेंस भी है, लग्जरी भी है. इट्स नॉट लाइक RS5, बट इट्स नॉट इवन लाइक A5. शुरू करते हैं आज का सेशन, बने रहिए हमारे साथ अंत तक. ये रही वो गाड़ी. अब इसकी चाबी पहले आपको दिखा देता हूँ. देख लीजिए, ये चाबी रही इसकी. लॉक, अनलॉक और बूट खोलने का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है इस चाबी में, और Audi का लोगो ऑफ कोर्स. एंड अगर आप इस गाड़ी को देखते हो सो ये कुछ ऐसे दिखती है. इसका फ्रंट जो है इज़ वेरी सिमिलर टू द A4 या A5, तो ठीक है A4 से, क्योंकि ये उसी पे बनी, वही प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है बेसिकली. और जब आप इसका फ्रंट एंड देखते हैं क्लोजली, लेट्स सी हियर, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इट गेट्स द टिपिकल Audi ग्रिल. ये ब्लैक्ड आउट है ताकि वो ज़्यादा बेहतर फिनिश लगे इसका और स्पोर्टी लगे. जो A5 आती है, नॉट इन इंडिया ऑफकोर्स, जो दूसरी कंट्रीज़ में भी आती है, इंडिया में भी ऑफकोर्स अवेलेबल है, वो सिल्वर उसको या क्रोम फिनिश दिया हुआ है ऑन द ग्रिल, जिसकी वजह से वो थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम लगेगी. अब यहाँ अगर आप देखते हैं, ये रही इसकी हेडलैम्प, पूरा हेडलैम्प है इसका. और यहाँ पे आपको बेसिकली ये वाइपर के लिए है. सो यहाँ से पानी आता है जो इस पर स्प्लैश होता है, एंड दैट्स हाउ इट क्लीन्स योर ग्लास. उसके अलावा यहाँ पे आपको S5 की बैजिंग मिलती है. लुक्स में ज़्यादा अंतर नहीं है. आई विश ये लोग ने येलो कलर कार दी होती थी, विच लुक्स वेरी स्टाइलिश एंड कूल. ये देख लीजिए, आपको यहाँ पे बॉनेट पे काफ़ी स्ट्रिक्स मिलते हैं. एक बार फिर से फ्रंट दिखा दूँ आपको. नाउ जैसे हम साइड की तरफ चलते हैं इस गाड़ी, ये देख लीजिए, तो साइड से ये काफ़ी स्पोर्टी लगती है. इसको एक स्लोपी वो रूफ देख लीजिए, एकदम स्लोपिंग रूफ लाइन दिया हुआ है इसका, जिससे काफ़ी स्टाइलिश और अग्रेसिव बना देता है इन डिज़ाइन. ये देख लीजिए, ये पार्ट जो है ना बहुत बढ़िया है इसका. इसके टायर प्रोफाइल काफ़ी पतले है, 245/40R18 का टायर मिलता है इसको, विच इज़ एब्सोल्युटली थिन. पर हमें दिक्कत कहीं नहीं आई इस गाड़ी को चलाने में. हम इसे मुंबई से एम्बी वैली लेके आए, और जस्ट लुक एट दिस बैक, इट्स वेरी स्टाइलिश. और ये जा रहे हैं तो थोड़ा नॉइज़ बढ़ गया था यहाँ पे. अब गेटिंग बैक टू द कार वंस अगेन, S5 बैजिंग पीछे, टेल लैम्प डिज़ाइन इज टिपिकल Audi. यहाँ तक कि जो नई SUVs आती है उसको भी सिमिलर लुकिंग टेल लैम्प दिया हुआ है. इसको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिलता है यहाँ पे, बहुत नीटली इंटीग्रेटेड है. और जब इसका बूट खोलेंगे तो ये हैच की तरह खुलता है. देख लीजिए, पूरा बूट भर दिया हमने सामान से, बैग है और एक बैग है और सामान है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन द बूट. तो काफ़ी कुछ भरा हुआ है हमने फ़िलहाल इसमें, एंड इट्स कम्प्लीटली लोडेड टू द ब्रिम. अगर हम इंटीरियर देखते हैं इस गाड़ी के, लेट्स गो ऑन द बैक सीट पहले. थोड़ा ब्राइटनेस मैं आपके लिए बढ़ा दूंगा यहाँ पे, सो यू कैन सी रियर सीट स्पेस इज प्रीटी गुड. यहाँ पे नी रूम काफ़ी अच्छा है, इसको दिक्कत बिल्कुल नहीं है एट द बैक. हाँ ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये बहुत ऊंचा है यहाँ पे. ये मैंने एग्जांपल के लिए रखा था दिखाने को कितना ऊपर है ये. और पीछे रियर AC वेंट्स है. इट फील्स नाइस एंड कम्फर्टेबल एट द बैक. तीन हेडरेस्ट है इसको और एक आर्मरेस्ट भी मिलता है इसको एट द बैक. ये रहा इसका आर्मरेस्ट जिसमें स्टोरेज मिलती है आपको. यहाँ से आप देखेंगे तो ये हार्ड दिया हुआ है, इट शट. अगर ये प्रेस करें तो यहाँ कुछ नहीं होता है, क्योंकि दिस डज नॉट हैव एक्सेस टू द बूट.
तीन लोग तो नहीं बैठ पाएंगे, पर दो लोग पक्का कंफर्टेबली इस गाड़ी में आराम से बैठ सकते हैं फॉर श्योर। एसी वेंट्स जो हैं, और यहाँ पे आप टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं इस गाड़ी का। अब जाते हैं फ्रंट सीट पे। सॉरी फॉर द ओवर एक्सपोजर। यहाँ हम आ गए गाड़ी के अंदर फिर से, और ये रही इसकी फ्रंट सीट। जस्ट लुक एट द स्पेस एंड लुक एट द स्टीयरिंग। ये स्टीयरिंग व्हील मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे आपको एस बैजिंग, यहाँ पे लेदर मिलता है आपको, एंड यू गेट दिस टॉगल टू कंट्रोल आपका ऑडियो का। सी ये देखिए म्यूज़िक, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, आप ट्रैक चेंज कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे आप कॉल उठा सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स इस तरफ है आपके पास कंट्रोल्स फॉर अदर थिंग्स। ये आपका बेसिकली देख लीजिए, देख रहे हैं पीछे टॉगल हो रही है। मैं थोड़ा आपके लिए एक्सपोजर कम करता हूँ ताकि आपको दिखे। देखिए घट रहा है, बढ़ रहा है, सिर्फ एक इस चीज़ से। और यहाँ पे भी आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सो आप एक व्यू कर सकते हैं इसको, इसको ऐसा कर सकते हैं। यू कैन चेंज योर ड्राइविंग मोड्स, इसमें सब मोड्स ले सकते हैं आप। और ये यहाँ पे मोड्स दिखते हैं आपको, तो दीज आर ऑल योर मोड्स जो अवेलेबल है। अगर आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो इसमें आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट किया तो आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स। अब ये रहा है इसका एसी, जो काफ़ी लंबा है, एक्सटेंड होता है इतना। ये सेम एसी आपको Q7 में भी मिलता है, ऑडी की दूसरी जो नई गाड़ी आ रही है उन सब में आ रहे हैं। इनफैक्ट ये Q7 से ही ऐसा सिस्टम शुरू हुआ है कि वो एसी आपकी वहाँ तक एक्सटेंड होगी। क्वात्रो यहाँ लिखा हुआ है, क्वात्रो मीन्स ऑल व्हील ड्राइव, ऑडी का पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है ये। और यहाँ देख लीजिए अभी दूसरे बटन्स आपके, ऑफ कोर्स एसी कंट्रोल्स, एंड यहाँ पे है आपका ड्राइव सेलेक्ट मोड, ये है आपका ऑन कर दिया इसको, ये ट्रैक्शन ऑन है, ये रहा आपकी पार्किंग, एंड यहाँ पे लास्ट में जो बटन है उसे ये आपका स्क्रीन बंद हो जाता है, ऑफ ऑन, ठीक है। सो दैट्स ऑल वी हैव टू शो। यहाँ पे इसका जो गियर लीवर है बहुत बढ़िया दिखता है ये फिनिश, तो ये दबा के आप अपना गियर चेंज कर सकते हैं। तो रिवर्स में डाला, न्यूट्रल, ड्राइव, और ये दबाया तो पार्किंग, CP आ गया यहाँ पे। एस बैजिंग यहाँ पे भी, ये आपका इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, यानी कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो अब ब्रेक चला गया, और फिर पुल किया तो ब्रेक आ गया। तो उसके लिए मुझे पेडल्स जो है ना, पेडल दबा के रखना पड़ता है ब्रेक वाला, जिसके वजह से वो होता है। अगर मैं ब्रेक नहीं दबाऊँ तो पार्किंग नहीं लगेगा, और ना ही मैं गियर चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। और आपको अगला सवाल रहेगा कि ये गियर कैसे चलते हैं। सो मान लीजिए अगर मैंने इसको डी में डाल दिया, और ये रहा आपका S1 दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसको एक बार पुल किया। एक बार अगर मैं और पुल करता हूँ तो ये D1 में चला गया, ठीक है। अब इसको दो पैडल शिफ्टर्स है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो अगर मैं ये प्रेस करके रखता हूँ ये ऑटोमेटिक में चला जाएगा, D1 से वो D हो जाएगा जब गाड़ी चलने लगेगी। और ये मैं बेसिकली जैसे मैं फिफ्थ से फोर्थ आता हूँ तो मैं सिर्फ ये दबाऊंगा तो मैं फिफ्थ से फोर्थ आ जाऊंगा, वैसे अगर मैं ये दबाऊंगा तो मैं फर्स्ट से सेकंड चला जाऊंगा, या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ। तो ये आपका गियर बॉक्स है। आपके पास और एक ऑप्शन है यहाँ पे गियर शिफ्ट करने के लिए, वो ये है कि इसको आप इधर डाल दो। तो यहाँ देख लीजिए आपकी ये लाइट जल गई, पहले ये लाइट जल रही थी, इसको वहाँ पुश किया ये लाइट जल रही है, तो ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जाने के लिए, और इसको वापस यहाँ लाया तो ये DS में आ गया, विच इज़ ऑटोमेटिकली वो गियर शिफ्ट करेगा। यहाँ पे आपको और एक कंट्रोलर है जो आपको म्यूज़िक सिस्टम कंट्रोल करता है यहाँ पे। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये आपका वॉल्यूम बढ़ाने घटाने के लिए, और अगर आपको गाना चेंज करना है तो ऐसा या ऐसा पुश कर दीजिए, आपका ट्रैक जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए कार्बन फाइबर फिनिश है, और ये फिनिश आपको यहाँ पे भी दी हुई है। ये क्वालिटी बहुत बढ़िया है इसकी, लुक्स एंड फील्स गुड, टेक्सचर बहुत बढ़िया है इसका। और दैट्स ऑल रहेगा इस गाड़ी के बारे में दिखाने को। एस की सीट देख लीजिए, इसमें
एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो नहीं आता है, फिक्स्ड हेडरेस्ट दिया हुआ है एंड या दैट्स अबाउट इट। आर्मरेस्ट है, यहाँ पे स्टोरेज है आपको, तो सनग्लासेस रख सकते हैं आप, अपने चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पे दो चार्जिंग पॉइंट्स है आपको, बेसिकली यूएसबी और ऑक्स भी है, और यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट के साथ साथ सिगरेट लाइटर भी मिलता है इस गाड़ी के अंदर। अब ये रहा इसका एमएमआई सिस्टम, तो इसमें आपको मिलता है टेलीफोन, ऊपर जाएंगे तो नेविगेशन, तो ये रहा नेविगेशन जो खुला अभी, टेलीफोन, और अगर मैं इधर करूँ तो यू गेट द नेक्स्ट कंट्रोल विच इज़ योर मीडिया, जो यहाँ आ गया ब्लूटूथ एक्सेट्रा। ऊपर रेडियो है तो ऊपर गए तो रेडियो आ गया। अब मैं ऑडियो फ़िलहाल के लिए बंद कर रहा हूँ। तो ये चारों आपके कंट्रोल्स हैं इसमें। कप होल्डर है, आगे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, कार ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पे आपको स्टोरेज है डिसेंट इनफ है आपको। इसमें दो सिम कार्ड स्लॉट्स भी हैं, सिम एक्चुअली एक ही है, एक एसडी कार्ड एक है, एसडी कार्ड टू है। ये जो है ना, ये तीनों अलग मटेरियल्स के, तो दिस इज़ लेदर, दिस इज स्वेड, और ये आपका प्लास्टिक है, जो बहुत बढ़िया क्वालिटी का फील होता है। स्टीयरिंग पे भी मैंने बताया आपको लेदर है, सो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये रहा क्रूज़ कंट्रोल इसमें। सो क्रूज़ कंट्रोल कैसे चलता है, आप जब भी गाड़ी चलाते हैं तो आपको सेट दबाना है और आप स्पीड जो आपकी है वो सेट कर सकते हैं। देखिए अभी फ़िलहाल मैं स्पीड सेट कर रहा हूँ इसकी, इसको मैं जितना ऊपर लूँगा वो उतना स्पीड सेट कर रहा है नीचे की तरफ, अगर आपको ये दिख रहा है तो ये 32 पे फ़िलहाल है, और अगर मैं इसको सेट दबाता हूँ तो ये 34 पे सेट किया मैंने इसको, तो 34 पे चलेगी ये गाड़ी। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज एक्सेट्रा। अब चला के देखते हैं इस गाड़ी को, एंड ऑफ कोर्स द सनरूफ। सो लेट्स गेट गोइंग, चलाते हैं इस गाड़ी को। अब हम गाड़ी चलाएंगे, स्टार्ट किया, डायल्स आ गए, इसको हम शिफ्ट करेंगे टू क्लोजर, ले गए थोड़ा, मोड चेंज किया टू डायनेमिक, और इसको डाल दिया इन डी, डायनेमिक में ना इसका एग्जॉस्ट नोट चेंज हो जाता है, ओह शिट स्पीड ब्रेकर, तो स्लो जाना पड़ेगा हमको। डायनेमिक में इसका एग्जॉस्ट नोट चेंज हो जाता है, परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, और फिर से एक और एक स्पीड ब्रेकर, तो काफ़ी स्लो चलना पड़ता है। ये एक डिसएडवांटेज है इंडिया में लग्जरी कार्स का, मतलब स्पीड ब्रेकर है स्लो डाउन, यही एसयूवी रहती है ना, यू कैन जस्ट गन इट। इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट इज जस्ट सो ऑसम, और टर्न्स पे भी ये बहुत बढ़िया है, इट्स जस्ट सो मच फन। अब मैंने इसको एम में किया हुआ है, मैंने सिर्फ एक बार ये बटन दबा दिया और ये एस में चला गया, फिर अभी डी में डाल दिया, तो डी में ये 6, 7, 8 में चला जाएगा स्ट्रेट अवे विदाउट एनी स्टॉपिंग, ये ज़्यादा एफिशिएंसी के लिए ट्यून किया जाएगा। अब अगर मैं इसका मोड चेंज करता हूँ ना, सो लेट मी गो बैक टू कम्फर्ट, तो कम्फर्ट में ये स्टीयरिंग बहुत रिलैक्स हो जाता है, राइड ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, और ड्राइव ऐसे एकदम ईजी, क्या कहते हैं, स्ट्रेस फ्री, एफर्टलेस हो जाता है। और स्पोर्ट में ये बहुत स्टिफ एज इन आपको फील नहीं होता एक्चुअली, राइड क्वालिटी इज़ वेरी गुड, बट चलाने में बहुत मज़ा आएगा आपको ये गाड़ी। सो आई हैव ऑलवेज बीन अ बिग फैन ऑफ RS5, क्योंकि RS5 जो लास्ट जनरेशन थी, द नेचुरली एस्पिरेटेड वन, वो मेरी वन ऑफ माई फेवरेट कार्स ऑल टाइम रही है, एंड S5 उसका एक टोन डाउन वर्जन। तो अगर आपका बजट RS5 जितना नहीं है और आपको दो एक्स्ट्रा सीट चाहिए, देन दिस बिकम्स अ गुड चॉइस, जिस दैट इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था फॉर श्योर। पावर भी इसका अच्छा है, पुल बहुत बढ़िया है इस गाड़ी का, एंड यू लव ड्राइविंग दिस कार एवरी टाइम यू गेट बिहाइंड द व्हील। विजिबिलिटी इज गुड, डेली ड्राइविंग के लिए ये एक बहुत ही परफेक्ट कार है, माइनस द ग्राउंड क्लियरेंस। इसमें आप आराम से हाई स्पीड्स अचीव कर सकते हैं, बट माई आइडिया इज़ नॉट टू डू दैट, क्योंकि ये ट्रैक नहीं है एंड आई डोंट एनकरेज पीपल टू ड्राइव फास्ट।
अनलेस दे बाय समथिंग लाइक दिस, पर वो भी स्पीड लिमिट में रेकमेंड करूंगा टू ड्राइव. आपको 0 to 80 फास्ट जाना चले जाओ, उस पर कोई लॉ नहीं है, पर अगर आप 80, 90, 100 वो सब के ऊपर जाते हो जो स्पीड लिमिट है, देन दैट्स अ बैड थिंग. अब मूविंग ऑन टू द वर्डिक्ट, Audi S5 एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोडक्ट है क्योंकि ये RS5 और A5 के बीच में बैठता है. एंड टेक्निकली अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जो बहुत ज़्यादा मैड नहीं हो और बहुत ज़्यादा बेसिक ना हो, तब S5 इज़ अ गुड चॉइस. एक डाउनसाइड ये है कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर. उसके अलावा नो रियल कंप्लेंट्स अबाउट दिस कार. तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो किस बात के लिए रुके हो, जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे. मिलेंगे कल फिर से विथ एन ऑल न्यू वीडियो. हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. टेक केयर, ड्राइव सेफ.